रूस यूक्रेन जंग में फंसा है और उसका दुश्मन नेटो फिनलैंड में जबरदस्त युद्धाभ्यास में लगा है। पुतिन की धमकियों को नजरअंदाज करके फिनलैंड नेटो की सदस्यता लेने जा रहा है। इस तरह से अमेरिका का रूस के आसपास नेटो के जाल बिछाने की हसरत पूरी होने जा रही है। सवाल ये कि अब आगे क्या होगा। पूरा खतरा है कि अब पुतिन यूक्रेन में जंग के अलावा फिनलैंड का फ्रंट खोलने जा रहे हैं, क्योंकि नेटो रूस के एक और दरवाजे तक पहुंच चुका है। चिनूक हेलीकॉप्टर पर सैनिक सवार हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आसमान का रुख कर रहा है चीन। और देखते ही देखते हवा में गुम हो जाता है। चिनूक की ये उड़ान सामान्य और साधारण उड़ान नहीं है। इस उड़ान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आंखें लाल कर दी हैं। फिनलैंड के आसमान में इस वक्त नेटो सैनिकों की कर्तव्य लहरा रही है। इरादा क्लियर, नजर साफ और लक्ष्य एक, रूस को रोकना। चलिए अब डिटेल में समझाते हैं कि यूक्रेन युद्ध के बीच एक और देश युद्ध की आग से खुद को बचाने के लिए क्या कर रहा है। लेकिन उससे पहले इस मिलिट्री एक्सरसाइज की आपको डिटेल बता देते हैं। असल में फिनलैंड में नेटो के 750 ट्रूप्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में मुख्य रूप से तीन देश हिस्सा ले रहे हैं। एक्सरसाइज ब्रिटिश आर्मी के नेतृत्व में हो रही है, जिसमें 150 तो सिर्फ ब्रिटिश जवानों की मौजूदगी है। ये पहली बार नहीं है जब यूक्रेन युद्ध के बाद फिनलैंड और स्वीडन में नेटो फॉलोन एक्टिव है। मई के अंत में करीब 1000 ब्रिटिश सैनिक पोलैंड में एक्सरसाइज डिफेंडर के लिए 11 अन्य देशों की सेनाओं के साथ शामिल हुए। मई में ही नेटो के 18,000 सैनिक एस्टोनिया लात्विया सीमा पर एक्सरसाइज हेड के होग में ट्रेनिंग ली। अप्रैल में अमेरिका, ब्रिटेन, एस्टोनिया और लात्विया के सैनिक एक्सरसाइज एरो में शामिल हुए। अप्रैल में ही करीब 4500 सैनिकों ने एक्सरसाइज स्विफ्ट रेस्पॉन्स में हिस्सा लिया। आप समझ सकते हैं, पुतिन की यूक्रेन में जंग में ताकत का प्रदर्शन और नेटो की पुतिन को ना रोक पाने की मजबूरी के बीच पूरी दुनिया कैसे फंसी है। पुतिन का टारगेट है यूक्रेन नाम के देश को दुनिया के नक्शे से मिटा देना और शायद चेचन्या जैसी हालत बना देना, जहां कादिरव जैसे पुतिन के वफादार सत्ता संभाल। लेकिन यूक्रेन के जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ ऐसा रिश्ता साधा है कि पुतिन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रूस की लाख चेतावनी के बाद नेटो जेलेंस्की को सपोर्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, रूस को घेरने के लिए उसकी सीमा के चारों ओर एक्सरसाइज कर रहा है। फिनलैंड में 4 दिनों तक चलने वाली एक्सरसाइज इसी का हिस्सा है। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के मकसद पर। असल में फिनलैंड और स्वीडन दोनों ने नेटो की सदस्यता के लिए अप्लाई किया है। देर सवेर फिनलैंड और स्वीडन दोनों को नेटो की मेंबरशिप मिलनी तय भी है। इससे पहले फिनलैंड ने इसी साल मई में ब्रिटेन से सिक्योरिटी को लेकर समझौता भी किया है। तुर्की का कहना है कि वो नेटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन की दरख्वास्त पर विचार कर रहा है। फिनलैंड या स्वीडन, दोनों के नेटो में शामिल होने के लिए नेटो के सभी 30 सदस्यों का समर्थन चाहिए। फिनलैंड के नेटो में शामिल होते ही इसे नेटो के आर्टिकल 5 के तहत ये गारंटी मिलेगी कि अगर कोई भी गैर नेटो देश फिनलैंड पर हमला करता है तो यह हमला नेटो के 30 सदस्य देशों के खिलाफ माना जाएगा।
नेटो के 22 देश फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल करने के लिए हामी भी भर चुके हैं, यानी वो दिन बहुत दूर नहीं जब रूस का पड़ोसी फिनलैंड नेटो का मेंबर होगा, और यही बात पुतिन के लिए बड़ी मुश्किल वाली होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि रूस के पड़ोस में पहली बार नेटो की उपस्थिति है। रूस नहीं चाहता कि फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल हो, और यही वजह है कि रूस ने दो सुपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल बॉम्बर्स को बैरेंट्स सी के ऊपर उड़ाकर फिनलैंड और स्वीडन को धमकाया था। मतलब यूरोप में आने वाले वक्त में महाभारत छिड़ सकती है, और ये इलाका रूस और अमेरिका के बीच शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन सकता है। रूस के लिए स्वीडन और फिनलैंड का नेटो में एंट्री करना बड़ा सिरदर्द हो सकता है। इसकी वजह यह है कि उसके साथ जमीनी सीमा शेयर करने वाले लात्विया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, नॉर्वे जैसे देश पहले से ही नेटो की गोद में जा बैठे हैं। इसके अलावा समुद्री सीमा शेयर करने वाला तुर्की भी नेटो का हिस्सा है। स्वीडन भी रूस के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद फिनलैंड और स्वीडन भी पुतिन की मिसाइलों से सहमे हुए हैं। नेटो में शामिल होकर ये दोनों देश खुद को महफूज करना चाहते हैं, और यही दिक्कत पुतिन को सोने नहीं देती, क्योंकि दरवाजे पर जब नेटो की दस्तक हो तो बेचैन हो जाना लाजमी है। लेकिन सवाल है कि सालों तटस्थता की राह पर चलने वाला फिनलैंड इस कदर नेटो में जाने को बेकल क्यों है, और पुतिन के लिए यह फैसला परेशान करने वाला क्यों है। फिनलैंड रूस के साथ 1200 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जबकि फिनलैंड के पास यूरोप में सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। रूस को इस बात की चिंता है कि फिनलैंड और स्वीडन उसके दुश्मनों के लिए बेस की सुविधा मुहैया करा सकते हैं। यही वजह है कि रूस ने पिछले हफ्ते ही दो सुपरसोनिक TU-160 न्यूक्लियर मिसाइल बॉम्बर्स बैरेंट्स सी के ऊपर उड़ाकर फिनलैंड और स्वीडन को धमकाया था। हालांकि इसके साथ ये भी सच है कि पुतिन कह चुके हैं कि उन्हें फिनलैंड या स्वीडन के नेटो में शामिल होने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि पुतिन हर हाल में फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में जाने से रोकना चाहते हैं, और इसके लिए फिनलैंड और स्वीडन को पुतिन बार बार धमकाते भी रहते हैं। असल में नेटो का विस्तार रूस के लिए संवेदनशील मुद्दा है। रूस इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताता है। यूक्रेन पर हमले के पीछे भी ये एक बड़ी वजह बताई जाती है। रूस के लिए फिनलैंड एक बफर स्टेट है। रूस नहीं चाहता कि नेटो उसके इतने नजदीक आए, इसलिए रूस फिनलैंड के नेटो में जाने का विरोध करता है। इससे पहले रूस ने नेटो को चेतावनी दी थी कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होंगे तो रूस यूरोप के बाहरी इलाकों में परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर देगा। रूस के चेतावनी के बाद यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि फिनलैंड और स्वीडन पर भी यूक्रेन की तरह हमला ना हो जाए। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस की सेना इस वक्त यूक्रेन युद्ध में उलझी है, और ऐसे में रूस अगर फिनलैंड या स्वीडन पर हमला करता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और पुतिन जैसे मंझे हुए नेता ऐसी गलती शायद ही करें। लेकिन इसके साथ ही ये भी सच है कि पुतिन अपने प्रभाव वाले इलाके में नेटो और उसके जरिए अमेरिका को एंट्री दे ही तो क्यों नहीं। क्योंकि नेटो कल्याणकारी संस्था नहीं है, बल्कि मिलिट्री गठजोड़ है। नेटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। अमेरिका की अगुवाई में स्थापित किया सैन्य संगठन है, जो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के विस्तार के खतरे को रोकने के लिए बनाया गया था। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत 12 देशों ने सोवियत यूनियन का मुकाबला करने के लिए इसकी स्थापना की थी। नेटो में अब 30 सदस्य देश हैं, जिनमें 28 यूरोपीय और 2 उत्तर अमेरिकी देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसके विस्तार, उसके संबंधों
और संतुलनों को समझने वाले नेटो के विस्तार की असली वजह समझते हैं और पुतिन को ये कभी गंवारा नहीं होगा कि नेटो रूस को सीधा चैलेंज करे। फिनलैंड पुतिन के गुस्से से वाकिफ है और इस देश के पास नेटो में शामिल होकर खुद को पुतिन से बचाने के लिए फिलहाल कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिख रहा, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बाद पश्चिमी देशों में कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना बढ़ी है। दूसरी ओर सामरिक रूप से फिनलैंड रूस के लिए बेहद उपयोगी है। पुतिन के लिए यह आसान नहीं होगा कि फिनलैंड के नेटो में चले जाने पर इस देश पर हमला कर, लिहाजा पुतिन की तैयारी में है और नेटो शक्तियां भी। देखना बस ये है कि रूस नेटो आमने सामने कब होगा।